जय माता जी। दोस्तों पंचमी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्कंद माता जी की पूजा होती है और उन्हें केले का भोग लगाया जाता है आज के दिन, तो केले से भोग बनाते हैं। चलिए, मैंने 3 केला लिया है, इसका छिलका निकाल करके इसको कट कर लेंगे और ग्राइंडर मिक्सर में इसको पीस लेंगे। 15 मिनट पहले मैंने थोड़ा गुड़ भिंगो करके रख दिया था, वो घुल चुका है। देखिए मैंने पीस लिया इसको, गुड़ घुल चुका है यहाँ पर। और थोड़ा 100 ग्राम दूध रखा है, गुड़ को दूध में ऐड कर लेंगे। और इसको डालने के बाद एक पैन रखेंगे गैस पे, पैन गरम हो चुका है और इसमें थोड़ी सी बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद थोड़ी ये गरम हो जाए तो मैंने ड्राई फ्रूट थोड़ा सा रखा है ताकि अच्छा हो और टेस्टी हो। तो ड्राई फ्रूट में आपको जो अच्छा हो आप डाल सकते हैं। मैंने काजू बादाम ये सब रखा है, पिस्ता वस्ता, आपको जो भी अच्छा है आप डाल सकते हैं। इसको 5 मिनट फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद 1 कप मैंने आटा रखा है, आटा डाल लेंगे। आप चाहे तो गेहूं का शुद्ध आटा डाल सकते हैं या मैदा भी डाल सकते हैं या बेसन भी यूज कर सकते हैं। और इसको अच्छे से भूनेंगे, जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें केले को डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। और इसमें मैंने बटर डाला है, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं या घी भी, देसी घी भी डाल सकते हैं, शुद्ध या रिफाइंड भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बटर ही डालें, आपको जो अच्छा लगे। ये बहुत ही अच्छे से इसको चलाते रहना है, भूनते रहना है, देखिए, ताकि सॉफ्ट हो और अच्छा हो। आप देख सकते हैं जैसे मैं चला रही हूँ, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। इसमें अब दूध को ऐड करेंगे गुड़ वाला और इसको फिर 5 मिनट पकाएंगे। वैसे ये पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 6-7 मिनट में तैयार हो जाता है। थोड़ा सा अच्छे से इसको चलाना है और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो इसको निकाल लेंगे। एक बर्तन में थोड़ी सी घी डाल लेंगे, लगा लेंगे और उसको रख लेंगे उसमें इसको पकने के बाद। तो अब तैयार हो चुका है, निकाल लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप शेप दे सकते हैं बर्फी की तरह या ऐसे भी रख सकते हैं। इसमें देसी घी डाल देंगे, ऐसे भी मैंने रखा है कचौड़ी में, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे बर्फी की तरह आप काट भी सकते हैं शेप दे करके। तो ऐसे रखने के बाद कम से कम 15-20 मिनट रख दे, उसके बाद ही काटे, या तो फ्रिज में रख दे 10 मिनट या ऐसे रख दे तभी काटे। और काटना आपको अपने अनुसार काटे, आपको जैसा पसंद हो, या तो बर्फी की तरह आकार का काटे या चरकोर काटे या पेड़े की तरह बनाए, जब से आपको पसंद हो। तो देखिए बहुत ही अच्छा से ये सेफ हो चुका था, मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट भी डाल दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी सॉफ्ट बना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है, देसी घी डालने के बाद, इतना कुछ डालने के बाद बहुत ही खुशबू आ रहा है, काफ़ी लुभावनी है। आप माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं, नवरात्रा का समय में बहुत ही अच्छा समय होता है माता जी को प्रसन्न करने का, तो आप ऐसे बनाएं और प्रसन्न करें। जय माता जी। दोस्तों